बाद मिलेंगे भाया, बाद मिलेंगे कभी। मैं ये कल ही बस, ये जो है लिफ्ट बहुत खतरनाक है। और हम जो है टूर पे जैसे गए थे तब तो हम तो चढ़े हैं इस पे इन चीज़ों में, लेकिन अब्बू को है इन चीज़ों से अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी अब्बू के पैर पे भी अभी लगी है चोट, आपको दिखाते हैं एक मिनट। ये देखें, ये अभी अभी इनके जो है पैर कटा है इनका थोड़ा सा, फिर मैंने पट्टी की है और जब भी अब मार्केट के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन अम्मी जो है वो भी हमें मिल ही नहीं रही, पता नहीं किस साइड पर चली गई है। मार्केट से शॉपिंग यही की है उन्होंने, खाना लेके आए मामा जी। हाँ यही तो क्या किन गया करते, कब से मैं अम्मा का इंतजार करती हूँ। ये देखें पिज्जा और जूस की कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आई, और हमारे साथ अभी हमारी ये छोटी सिस्टर भाभी। अभी हम जो है ये फिनिश करते हैं, उसके बाद जो है अभी अंदर चलते हैं, आपको जो है याद करवाएंगे सबको। और आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर दुआएं जो अपनी अपनी हैं आपकी और इतनी है, और मैं जो है आप लोगों की वैसे मैं कभी शुरू करके लिए, लेकिन स्पेशल जो होता है बंदा कहता है ना मेरा नाम लेकर दुआ करें, तो इस तरह से आपको अंदर दिखाते हैं, क्योंकि अभी शाम के टाइम जब होता है ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो इस टाइम जो है अंदर जा सकता है बंदा, हर हमें नमाज भी अदा कर सकता है वहाँ पर। उसके बाद जो है आपसे मिलते हैं, क्योंकि पहले कैमरा लेडी भी भूखी बैठी होगी खा रहे। माशाल्लाह हम जो है अब अंदर इंटर हो रहे हैं खाना काबा में, और अम्मी हम इंटर हो रहे हैं अभी खाना काबा में। माशाल्लाह इतना रश है ना, अभी तो माह रमजान के लिए लोग इतने इकट्ठा हो रहे हैं कि होटलों में अब बिल्कुल भी जगह नहीं रही है। और जिस होटल में हम रुके हुए हैं वो हमारा होटल बहुत दूर है, 1 घंटे का सफर है तकरीबन। फिलहाल तो हमें अभी इंटर हो रहे हैं, रश है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं इंटर हूँ तो डायरेक्ट आप लोगों को खाना काबा की तरफ को आपको देखें, और इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आप जरूर दुआ करें।
और जो दुआ आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो पूरी होगी। और कहते हैं कि पहली नज़र जब काबा पर पड़े तो जो दुआ मांगो ना वो कबूल होती है। ना मैंने भी यही किया, जब मैं आई थी हुई तो मेरी नज़रें जो है वो नीचे थी, तो मैंने उस वक्त काबे की तरफ देखा जब मेरी नज़र बिल्कुल मैं करीब जा कर रही, तो मैंने जो दुआ मांगी है बस अल्हम्दुलिल्लाह बस वो कबूल हो जाए। मेरे सामने बिल्कुल ही अब खाना काबा है और कल जो है हमने अपना उम्रा मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी जितनी भी होती हैं कि पाबंदी है कि ये आपने लाजमी करना है, आपने यूं करना है, हर चीज़ का मुकम्मल जो है वो ख्याल रखा था, ना ही खुशबू लगाई है और इस तरह से लग रहा था कि मैंने एक रोज़ा रखा हुआ है बिल्कुल मुकम्मल। हाँ तो अब बिल्कुल 2-3-4 कदम ऐसे समझ गए कि सामने बिल्कुल ही खाना काबा है। आप लोग भी तैयार हो जाएं और देखने के लिए और दुआ करें और मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा। देखिए डिफरेंट डिफरेंट मालिक के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, यहाँ पर ना हर कंट्री के लोग मैंने देखने को मिले हैं, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी मतलब कि कम देखे हैं मैंने, और यहाँ पर उर्दू की तो ज़्यादातर समझ आती ही नहीं है लोगों को, हर किसी की अपनी ही लैंग्वेज है। चले जी आप क्या आप लोग तैयार हैं? तो हमारी कैमरा लेडी अभी आपको दिखाती है खाने काबा हमारे बिल्कुल ही सामने है। हम करते हैं तवाफ और उसके बाद आप सिखाते होंगे कि कल में क्यों रहेंगे हम लोग। अब जो है वो घूम हो जाते हैं ज़्यादातर मेरे साथ से। मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही तवाफ करूं उसके बाद जो है बिल्कुल ही आप लोगों को सामने से ज़ियारत करवाऊँ। तो जैसे आप देख तो रहे हैं वैसे कहीं करीब जाकर मैंने कल इतना रश था आया पर मैं बिल्कुल ही जा पहुंची हुई और कम अज कम तकरीबन 10 से 5 मिनट तक तो मैं ज़रूर वहीं पर रुकी रही हूँ। सुभान व्यूअर्स इस टाइम हम आए हुए हैं इस साइड पे घर बना हुआ था हज़रत सल्लम का, तो उसको जो है अब किताब घर बना दिया गया, मतलब कि यहाँ पर किताबें जो पढ़ने के लिए है इस अंदर तो जरूर हम यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं। और इस साइड पे जो घर है वो अबू जाहिल का था और उसे जो है वॉशरूम वगैरह के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो अभी हम ये आज का व्लॉग जो है हमारा जो है वो यहीं तक था, नेक्स्ट व्लॉग जो है वो जल्द आएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना हो सकता है।